गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में दाल बाटी बनाकर बता रहे हैं, जो इंदौर एमपी की फेमस है और राजस्थान में भी इसको बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। चार कप आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है, और ये आधा इतना हम मीठा सोडा डालेंगे इसमें। और जो सूखे मसाले हैं, एक चम्मच अजवाइन क्रश करके, आधा चम्मच सौंफ, ये कलौंजी एक चम्मच, और ये कस्तूरी मेथी, ये सब इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद में इसमें ऐसा कुएं जैसा गड्ढा बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम आसपास, और इसको पानी डाल डाल के अच्छा टाइट डो लगाएंगे। सॉरी, मैं हल्दी डालना भूल गई, हल्दी भी डालना है, हल्दी डालना भूल गई थी, क्योंकि दाल बाटी में हल्दी ना हो तो दाल बाटी एकदम फीकी फीकी सी लगती है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद अच्छी नहीं लगती। अब इसको पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से टाइट डो लगा लेते हैं। हमने बाटी को माइक्रोवेव में रख दिए थे, और इसको 5 मिनट के बाद देखिए फूल फूल के कितनी गुब्बारा जैसी हो गई है। और 5 मिनट रखेंगे इसको। देखिए, दाल हमने 5 से 6 सीटी लेके अच्छे से गला लिए हैं, और मसाले में जीरा और हींग का तड़का लगा के, लहसुन का, और बेसिक मसाले डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। हमारा मोबाइल लो हो गया था, इसलिए दिखाना पे आए थे हमको। अभी दाल इसमें डाल देंगे, और जितना अपने को पानी डालना है, मतलब अभी ये थिक बहुत है तो थोड़ी सी इसको लूज करेंगे, तो थोड़ा सा पानी में डालेंगे। देखिए हमारी बाटी कितने अच्छे से सीखी है माइक्रोवेव में, पूरे चारकोल फ्लेवर में ये सीखी हुई है। अब ये घी हमने शुद्ध वाला को गर्म किया है, और इस तरीके से डुमाएंगे, और डुबा डुबा कर हम यहाँ रखेंगे ताकि घी थोड़ा सा निथर जाए। ये देखिए हमारी दाल बाटी की प्लेट तैयार हो गई है, एमपी और राजस्थान की फेमस डिश है। अब आप भी बनाइएगा, और कमेंट पे लिख के बताइए क्या हमारी दाल बाटी की रेसिपी कैसी है, और आपके स्टेट में इसको क्या बोलते हैं, ये भी हमें कमेंट पे लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।